हेलो एवरीवन, आज हमारा जो लेक्चर है वो है टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। आज हम इस टॉपिक में टाइगर रिजर्व्स को पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, और बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम टाइगर रिजर्व पढ़ने से पहले हम देखते हैं कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन एरिया के बारे में। जैसे देखिए, आपके सामने एक डायग्राम है, इसको मान लीजिए आप एक फॉरेस्ट का पार्ट है, और जो फॉरेस्ट का सबसे बीच वाला पोर्शन होती है, सबके से जो इनर वाला पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं कोर एरिया, और उसके बाद जो उसके बाहर थोड़ा सा एरिया आता है उसको बोलते हैं बफर जोन, और उसके बाहर वाले जोन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। सबसे देखिए पहले कोर एरिया क्या होता है। कोर एरिया एक फॉरेस्ट में ऐसा एरिया होता है जो एक फॉरेस्ट में सबसे बीच वाला इनर वाला, जहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। हम या हमारे जैसे कोई भी पर्सन इस कोर एरिया में नहीं जा सकते। सिर्फ जो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू है, रिसर्च करनी है कोई, फिर जा सकते हैं। उसके अलावा कोई भी पर्सन इस कोर एरिया में नहीं जा सकता। इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिमार्केटेड होती हैं, कोई इसके अंदर नहीं जा सकता। स्पेशली ये प्रोटेक्टेड एरिया होता है फ्लोरा और फोना के लिए, मतलब प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है। और उसके बाहर होता है बफर जोन। बफर जोन कोर एरिया के बाहर होता है, और जहाँ पर लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, और जो बाउंड्रीज वगैरह होती है इनकी, वो वेल डिमार्केटेड नहीं होती। और उसके बाहर वाले जोन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन। इस जोन में आप घर भी बना सकते हैं, ट्राइबल पीपल्स भी रहते हैं, वो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है, लकड़ी वगैरह, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर भी, माइनिंग भी, टूरिज्म भी, हर एक एक्टिविटी कर सकते हैं ट्रांजिशन जोन में। और क्लियर हो गया कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन। अब समझिए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। जो कोर एरिया होता है, जहाँ पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, उसको हम नेशनल पार्क भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं ये नेशनल पार्क होता है। और उसके बाद जो बफर जोन है उसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाहर जो होता है उसको बोलते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व। मतलब एक बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, और दो नेशनल पार्क भी हो सकते हैं, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकती हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो नेशनल पार्क बन सकती है, बट नेशनल पार्क कभी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बन सकता है। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में समझिए, टाइगर रिजर्व में सिर्फ दो जोन होते हैं, एक होता है बफर जोन और एक होता है कोर जोन। मतलब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व हो सकते हैं। नेशनल पार्क होगा जो, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है वो टाइगर रिजर्व भी है, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी टाइगर रिजर्व हो सकती है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन, जहाँ पर भी पढ़ लीजिए, नो ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड। कोर एरिया में कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। द एरिया इज अनडिस्टर्ब्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम। और उसके बाद बफर जोन, इट्स अराउंड द कोर एरिया, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज इज अलाउड लाइक रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजिक रिसर्च एंड एजुकेशन। सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन में क्रॉपिंग, फॉरेस्ट एंड अदर इकोनॉमिक यूज़ विदाउट डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम। आप सब कुछ कर सकते हैं बट इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप किसी एनिमल को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और उसके बाद जैसे आपको बोला वी कोर एरिया एक नेशनल पार्क होता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बफर जोन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज़ प्रोटेक्टेड फॉर बोथ फ्लोरा एंड फोना, प्लांट्स एंड एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है नेशनल पार्क में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और एग्रीकल्चर अलाउड होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क में अलाउड नहीं होता। ग्रेजिंग वगैरह नॉट अलाउड इन नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउड। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जैसे लकड़ी वगैरह, वो नेशनल पार्क में आप यूज़ नहीं कर सकते और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाउंड्रीज वेल डिमार्केटेड होती हैं नेशनल पार्क की और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, वेल डिमार्केटेड नहीं होती। और उसके बाद आता है टाइगर रेंज कंट्रीज।
टाइगर रेंज कंट्रीज कौन सी हैं? टाइगर रेंज कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में ऐसी 13 कंट्रीज हैं, 13 कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर्स मिलते हैं। वो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? जैसे बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, लेओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रशिया, थाईलैंड और वियतनाम। पूरे वर्ल्ड में ऐसी ये 13 कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर्स मिलते हैं, मतलब बाघ मिलते हैं। और इन 13 कंट्रीज में इंडिया अकेला ऐसा कंट्री है जहां पर 80% टाइगर्स मिलते हैं। उसके बाद टी इंटू टू प्रोग्राम क्या है? टी इंटू टू मतलब टाइगर्स इंटू टू। 2010 में इन 13 कंट्रीज ने मिलके एक समिट किया, टाइगर समिट 2010। वो समिट हुआ रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में, और उस समिट में ये डिसाइड किया गया कि हम 12 साल बाद मिलेंगे, और उन 12 साल में हम जो हमारी कंट्री में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है, उस टाइगर की पॉपुलेशन को 12 साल में डबल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन 1,000 है 2010 में, और 2022 तक हमने उस टाइगर की पॉपुलेशन को 2,000 करनी है। ये टारगेट है टी इंटू टू प्रोग्राम का है, और इस टारगेट को अचीव किया पहला कंट्री है नेपाल और दूसरा कंट्री है इंडिया, जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया, मतलब इन सालों में अपनी जो उनकी जो टाइगर पॉपुलेशन है उनको डबल किया। हम 2022 में ही क्यों मिलेंगे? 2022 को चाइना सेलिब्रेट करेगा द नेक्स्ट चाइनीज ईयर ऑफ द टाइगर। और ये जो प्रोग्राम है टी इंटू टू, ये किसके अंडर आता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अंडर। और उसके बाद आता है हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये प्रोजेक्ट है टाइगर को कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर आता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती है जिसमें सेंटर भी अपना शेयर देता है और स्टेट भी। रेशो कुछ भी हो सकती है, 90-10 रेशो भी हो सकती है, 40-60 रेशो भी हो सकती है, 50-50 रेशो भी हो सकती है। और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो सारा पैसा वगैरह है वो सेंट्रल सरकार देती है, और ये प्रोजेक्ट टाइगर है। इस प्रोजेक्ट टाइगर में टाइगर को कंजर्व करने के लिए एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर लेकर उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर्स कब शुरू हुआ? 1973 में। और उसके बाद है हमारा टॉपिक टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। हमारे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? हमारे इंडिया में टोटल 50 टाइगर रिजर्व हैं जो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। और उसके बाद 2006 में इंडिया में, सॉरी, जो जैसे मैंने आपको ऊपर बोला था कि हमारे वर्ल्ड में 13 कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर्स हैं, और उन 13 कंट्रीज में से 80% टाइगर इंडिया में मिलते हैं। और 2006 में इंडिया में टाइगर से 1,411, और उसके बाद 2010 में 1,706, और 2014 में 2,226, और 2018 में 2,967। और इससे हमें पता चलता है कि हमने जो टी इंटू टू प्रोग्राम है उसके तहत हमने इन 12 सालों में पहले ही उससे हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन है उसको डबल कर चुके हैं इस प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर रिजर्व्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे इंडिया में जो नए टाइगर रिजर्व्स हैं जो बनने वाले हैं उनके नाम ये मैंने ये इस लिस्ट में दिए हैं, और कौन कौन सी स्टेट्स में हैं इसको आप पढ़ लीजिए पॉज करके। और उसके बाद स्टेट वाइज टाइगर पॉपुलेशन, हमारे इंडिया में ऐसी 18 स्टेट्स हैं जहाँ पर टाइगर्स हैं, और सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सी स्टेट्स में हैं? मध्य प्रदेश में 526, और उससे कम कर्नाटका 524, उससे कम उत्तराखंड 448, महाराष्ट्र 312, तमिलनाडु 264, और टोटल टाइगर्स कितने हैं हमारे इंडिया में? 2,967। और इंटरनेशनल टाइगर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जुलाई को। और उसके बाद हमारे इंडिया में 18 स्टेट्स हैं जहां पर टाइगर रिजर्व्स हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है भी एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व होता है, या एक नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी हो सकता है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व
भी हो सकता है। जैसे कर्नाटका में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, बंडीपुर टाइगर रिजर्व है, बिलीगिरी टाइगर रिजर्व है, बांद्रा टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, केरला में परिहार टाइगर रिजर्व, और उसके बाद यूपी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में कन्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ऐसे ही असम में मनास टाइगर रिजर्व, काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा टाइगर रिजर्व, उसके बाद महाराष्ट्र में, और उसके बाद झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, ये सारी लिस्ट प्रोवाइड की गई है इस लेक्चर में आपको, जो भी हमारे इंडिया में टाइगर रिजर्व है। और उसके बाद ओडिशा में सिंपलीपर टाइगर रिजर्व, सतकोशिया टाइगर रिजर्व, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में अन्नामलाई, और तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व, ये पूरी लिस्ट है। और टोटल हमारे इंडिया में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं और 18 कंट्रीज हैं जिसमें, सॉरी 18 कंट्रीज नहीं, 18 स्टेट्स हैं जिसमें टाइगर रिजर्व मिलते हैं। इस जो टाइगर रिजर्व है इसको आप रिपीट करते रहना, रिवीजन करते रहना, रिवीजन के साथ आपको ये सब कुछ लर्न हो जाएगा। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा एलिफेंट रिजर्व, और उसमें हम करेंगे एलिफेंट रिजर्व कौन से हैं इंडिया में, और प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है, और एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट में क्या डिफरेंस है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। मिलते हैं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में।